न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ थाना प्रतापपुर क्षेत्र की रिठानी चौकी से लापता हुई नाबालिग लड़की काजल शर्मा का 3 दिन से नहीं है कोई सुराग। नाबालिग लड़की काजल शर्मा के अपहरण के मामले को हल्के में ले रहे हैं हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक हरीश पाल। मामला मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रिठानी का है, जहाँ 2-3 दिन पहले शाम को गायब हुई काजल शर्मा का आज भी कोई अता पता नहीं लगा। काजल शर्मा के परिवार की माने तो पड़ोस के ही युवा नितिन पाल उम्र 19 साल ने काजल शर्मा को बहला फुसला कर घर से फरार हो गया। शाम को पता लगने पर काजल के परिवार वालों ने थाने जाकर तहरीर दी, जिसके बाद उप निरीक्षक हरीश पाल द्वारा जांच जारी है। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन हो गए हैं और पुलिस अभी भी काजल का कोई सुराग नहीं निकाल पाई है। नाबालिग लड़की के भाई का आरोप है कि पुलिस अभी भी हमें सही जवाब नहीं दे पा रही है। हमें चिंता है कि नितिन एक शराबी लड़का है और काजल अभी सिर्फ 16 साल की नाबालिग लड़की है, कहीं कोई अनहोनी उसके साथ ना हो जाए। बाबूजी आपका रघुनाथ शर्मा जी। अच्छा, यहाँ जो सब लोग ये इकट्ठे हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, क्या है मामला जी? मेरी पोती कल 4:30 बजे नितिन सनोप सुंदरपाल लड़का बैला फुसला के उसको ले गया। कितनी उम्र है आपकी लड़की की? मेरी लड़की की उम्र 16 साल है। अच्छा, जैसे कि आप थाने गए, तहरीर दी आपने? हाँ जी। तो क्या हुआ, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी या नहीं? नहीं करी। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये करो वो करो, चक्कर कटा रहे हैं। आप कौन हो? मम्मी हो उसकी। अच्छा, क्या हुआ, क्या बोला पुलिस वालों ने आप गए तो? पुलिस वालों ने कहा कि मार्कशीट लाओ, जब आपके यहाँ कागज आ जाएंगे, जब कुछ होगा। अच्छा, जैसे कि आप ये आधार कार्ड हाथ में लिए हुए हैं, ये दिखाया था आपने? हाँ जी। तो उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मार्कशीट? हाँ, फिर भी बोल रहे हैं कि मार्कशीट लेके आओ यहाँ पे। क्या नाम है आपकी लड़की का? काजल। काजल, कितनी उम्र है लड़की की आपकी? 16 साल की। अच्छा, उसका पता है जो लड़का बसला पुसला के ले गया? हाँ। क्या नाम है उसका? नितिन। नितिन, नितिन कहाँ रहता है वो? पिछली गली में गढ़ियों का पाल का ही लड़का है। अच्छा, फादर, पिता का क्या नाम है उसका? सुंदर। PTNI न्यूज के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।